to Indian YouTuber Yogita Ridwan, and please press the subscribe button and bell icon for getting a new notification. आज हम बनाने जा रहे हैं सेवैयों की खीर, जिसको बोलते हैं सेवियाँ भी कई कई जगह पर. एंड आज हम बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाएंगे सेवैयों की खीर, और बहुत ही इजी वे में हम घर पे तैयार करेंगे इसको. तो चलिए बनाते हैं सेवैयों की खीर. तो हमें सेवियाँ बनाने के लिए चाहिए सेवियाँ, जो कि हमने लिया है बैनबिन कंपनी का, और ये मेनली ये इंडिया में तो बैनबिन बहुत फेमस है. एंड इसकी सेवियाँ बहुत अच्छी होती हैं. इसकी सेवियों से हम खीर भी बना सकते हैं, एंड यहाँ पे और एक सीरा लिखा हुआ है वो भी बना सकते हैं हम. इसका नमकीन टाइप सीरा बना सकते हैं, और इसका प्राइस भी है 37 रुपीज़, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है. तो चलिए बनाते हैं हम खीर. सेवियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए सेवियाँ, दूध, चीनी, देसी घी और छोटी इलायची. छोटी इलायची मैंने 3 इलायची ली थी, और इसको मैंने पीस लिया है थोड़ा बारीक. एंड फिर मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और किशमिश ली है. आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं. तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले हमने गैस के ऊपर पैन रखा है, और पैन गर्म हो चुका है. सबसे पहले हम डालेंगे देसी घी. पैन गर्म हो चुका है और मैंने डाला है देसी घी. देसी घी मैंने 1/4 बाउल डाला है. अब हमारा घी गर्म हो चुका है. इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स. जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं उतने डालिए, और इसको धीरे धीरे हिलाइए. और आंच हमारी धीमी होनी चाहिए, लो फ्लेम पे रखिए गैस को. अब इसमें हम डालेंगे सेवैयाँ. यहाँ पे मैंने 1/4 पैकेट सेवैयाँ डालनी है. अब इसको धीरे धीरे हिलाना है सेवियों को, जिससे वो नीचे ना लगे, और इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें जब तक ये लाइट ब्राउन कलर में ना हो जाए. ये देखिए सेवियों का कलर चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन कलर हो चुका है, गोल्डन ब्राउन. अब इसमें हम डालेंगे मिल्क, दूध डालेंगे. दूध मैंने यहाँ पे 4 कप डाले. ये देखिए अब दूध हमने डाल चुका है. अब इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची. छोटी इलायची जो हमने दर्दी पीसी हुई थी वो डाल देनी है. उसके बाद डालेंगे चीनी. ये देखिए हमने चीनी डाल दी है. अब इसमें चीनी डाली है हमने 1/2 बाउल. आप अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. और फिर इसको अच्छे से हिला देंगे, और इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे. ये देखिए इसको बीच बीच में धीरे धीरे हमने हिलाया था, और अब हमारी खीर बन चुकी है. हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है. अब इसको हम सर्व करेंगे किसी बाउल में. ये देखिए खीर बिल्कुल रेडी है. अगर आपने इस वे से और इस तरीके से खीर कभी नहीं बनाई, तो प्लीज़ बना के देखिए, ट्राई कीजिए. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए. अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस कीजिए. और सब्सक्राइब करने से आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है. और साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी. तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. एंड मेरे न्यू ब्लॉग्स भी हैं, मेरे ब्लॉग्स भी देखिए. फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंड ब्लॉग्स भी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.